नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं दिशा पब्लिकेशन के YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूं कि पिछले दो वीडियोस जिसमें हमने 10 एमसीक्यू पॉलिटी के और 10 एमसीक्यूज और किए थे हिस्ट्री के, वो आपने जरूर सॉल्व किए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। तो आज हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू हीट जोन ऑफ अर्थ। ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स हैं। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव्स द लीस्ट हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। ठीक है, मिड डे सन इज ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन टॉरिड जोन। मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड इन द टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। तो दोस्तों, अगर आपने ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत भी रिविजन किया होगा तो आपको पता होगा कि जहां हीट ज्यादा पड़ती है, ठीक है, वहां टॉरिड जोन होता है। जहां हीट कम पड़ती है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं और या फिर टेम्परेट जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, बिकॉज यहां लिखा हुआ है रिसीव द लीस्ट हीट। अगर लीस्ट हीट होगा तो फिर टॉरिड जोन नहीं होगा, और अगर टॉरिड जोन होगा तो लीस्ट हीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे लीस्ट की जगह मैक्सिमम आएगा। पहला स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, टॉरिड करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये इक्वेटर है और बेसिकली ये टॉरिड जोन आप देख सकते हैं। तो टॉरिड जोन में जो मिड डे सन होता है ना, इट इज ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर सारे के सारे लैटिट्यूड्स में। ठीक है, जबकि अगर हम फ्रिजिड जोन में बात करें और टेम्परेट जोन में बात करें तो मिड डे सन जो होता है इट नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड, और इस वजह से यहां पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सट्रीम में जाते हो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चारों में से करेक्ट आपको बताना है। ऑल प्लैनेट्स हैव एटलीस्ट वन नेचुरल सैटेलाइट। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है दोस्तों। सारे प्लैनेट्स, अब अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन सारे प्लैनेट्स का अपना नेचुरल सैटेलाइट है ऐसा नहीं है। कुछ प्लैनेट्स हैं जिनका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, लाइक प्लैनेट्स सैटेलाइट्स डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, प्लैनेट्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन, सैटेलाइट्स डोंट, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Saturn has the largest number of natural satellite, ये statement गलत है। सबसे ज्यादा natural satellite Jupiter में, Saturn में नहीं। So C भी गलत है, A भी गलत है, correct answer होगा इसका B। ठीक है, Mercury और Venus ऐसे planets हैं जिनका अपना natural satellite नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not true for longitudes। So geography है, पहला session है हमारा, longitudes और latitudes पे basic question करना बनता है। These are lines of reference running from north to south। तो ये तो बिल्कुल correct है, longitudes north से south जो reference lines होती हैं। All of them are parallel circles, all of them are equal in length, and prime meridian is one of the longitudes। ठीक है, so prime meridian आपको पता है, ठीक है, prime meridian ये line है जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि prime meridian longitude है तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि पैरेलल सर्कल्स जो है वो लैटिट्यूड्स होते हैं, वो लॉन्गिट्यूड्स नहीं होते। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स तो सेमी सर्कल शेप में होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, क्योंकि यहां पे आपसे पूछा है, नॉट ट्रू। ओके, सो लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स और उनके बीच का जो डिस्टेंस है जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे कम होता जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है दोस्तों, नॉट करेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर जो है आपने पढ़ा ही होगा, थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, उन सब से रिलेटेड ये सवाल है। आपको बताना है गलत कौन सा इन चारों में से। पहला, ऑल द वेदर फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन स्ट्रेटोस्फीयर। जितने भी जो हम देखते हैं, बारिश, गर्मी, सर्दी, जो भी वेदर फिनोमिनन है वो सब स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। मीटियोराइट्स बर्न अपॉन एंटरिंग मीजोस्फीयर, ये बिल्कुल करेक्ट है। आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर, ये भी सही है। और जो हवाई जहाज की जो हम यात्रा करते हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन्स फ्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे सबसे आइडियल सिनेरियो होता है, वेदर का डिस्टर्बेंस कम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वेदर फिनोमिनन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं होते, वो होते हैं ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, ऑल द वेदर फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फीयर, ये आपका ये रहा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और आंसर आपका ए हो गया। चलिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर लाइफ इन अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन में
इन चारों में से कौन सा गलत है आपको बताना है। इट हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ये बिल्कुल सही है। दीज आर सुइटेबल फॉर कैटल रियरिंग, सो कैटल रियरिंग के लिए अमेजन बेसिन सुइटेबल नहीं है, ठीक है, ये गलत होगा। इन नाइट टेम्परेचर्स आर लो बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड ब्रोमेलियास, दैट इज स्पेशल प्लांट जो कि लीव्स में वाटर स्टोर करते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सो सही जवाब होगा इस सवाल का बी। अमेज़न बेसिन में बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जंगल बहुत ज्यादा घना होता है और पेड़ इतने ज्यादा डेंस होते हैं कि एक रूफ क्रिएट हो जाता है जिस वजह से सनलाइट नीचे नहीं आ पाती और पूरा अंधेरा छा जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। एंड दैट इज द रीजन कैटल रियरिंग के लिए ये सुइटेबल माहौल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ डीजल इंजन एग्जॉस्ट फ्यूम्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन, बिल्कुल हम सभी ने सुना है भाई, पढ़ा है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स जो होती है डीजल इंजन की, वो अगर आप किसी भी ह्यूमन को एक्सपोज करते हो तो उसके लिए खतरनाक है, कैंसर हो सकता है। डॉल्फिन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज किटेशियंस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, किटेशियंस, क्रस्टेशियंस, इनके बारे में पढ़िएगा। स्पाइडर्स कैन च्यू एंड स्वेलो जस्ट लाइक ह्यूमंस, तो नहीं, जैसे कि हम इंसान चबा सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, स्पाइडर्स कैन नॉट डू दैट। ओके, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, सो इनकरेक्ट होगा थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज डी। ओके, सो अगर हम स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर अपने शिकार को अपने फैंग्स की मदद से बेसिकली पॉइजन इंजेक्ट करता है और वो जो पॉइजन होता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को एक वॉटरी गूप में टर्न कर देता है और स्पाइडर उसे सक कर लेता है। तो भाई अलग अलग स्पीशी के अलग अलग खाने पीने के तरीके हैं भाई, हम कौन होते हैं, तो बेसिकली बात यही होती है। और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोटोन, इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स, इट इज नॉट अ जोन ऑफ टेंशन, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड, तीन स्टेटमेंट्स हैं। देखो दोस्तों इकोटोन मतलब होता ही है कि दो या उससे ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम, अब जहां पे डाइवर्स इकोसिस्टम आएगा वहां पे टेंशन का जोन अपने आप क्रिएट होगा, ठीक है, इकोटोन नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि नॉट अ जोन ऑफ टेंशन गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, सही जवाब होगा इसका सी। ठीक है, सो इट हैज कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम्स, हेंस इट्स अ जोन ऑफ टेंशन। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नीशे, हैबिटेट नीशे, वेयर इट लिव्स, फूड नीशे, व्हाट इट ईट्स, फिजिकल केमिकल नीशे, टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप एटसेट्रा। दोस्तों नीशे मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इकोलॉजिकल नीशे आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं किसी के फूड नीशे की बात कर रहा हूं इसका मतलब वो क्या खाता है, अगर मैं किसी के हैबिटेट नीशे की बात कर रहा हूं इसका मतलब वो कहां रहता है, अगर मैं किसी की फिजिकल केमिकल नीशे की बात कर रहा हूं तो उस जगह का टेम्परेचर क्या है, लैंड का शेप क्या है, स्लोप क्या है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, सही जवाब होगा इसका सी। ओके दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपको डाउट हो, अगर आपको लगे कि इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तीन स्टेटमेंट्स हैं। बायोस्फीयर इज अ नैरो लेयर अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर इज एब्सेंट ओनली एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन। तो दोस्तों इंसान को जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए बायोस्फीयर में, सन से आ रही है, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। और रही बात बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर एक नैरो लेयर है अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना कि बायोस्फीयर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ओनली वर्ड यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल्स के एक्सट्रीम में ही एब्सेंट है, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बायोस्फीयर उन जगहों पे भी एब्सेंट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल ओशन के एकदम डीप में, माउंटेन के एकदम टॉप में, जहां पे हॉस्टाइल कंडीशंस है लाइफ के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बाकी दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सो बायोस्फीयर इज एब्सेंट नॉट ओनली एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बट ऑल्सो एट द हाइएस्ट माउंटेन्स, डीपेस्ट ओशंस, बिकॉज हॉस्टाइल कंडीशंस देयर डू नॉट सपोर्ट लाइफ। आखिरी सवाल दोस्तों आज के इस सेशन का, तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। ऑल स्नेक्स स्मेल विद देयर टंग, अ किटेशियन इज अ क्रिएचर बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ वाटर लिविंग मैमल्स दैट हैव नो हिंड लिम्स एंड अ ब्लो होल फॉर ब्रीदिंग,
वेल्स आर अ टाइप ऑफ क्रिटेशियन। तो दोस्तों यूपीएससी ने कुछ साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था फूड चेन का, जिसमें यूपीएससी ने बेसिकली डायएटम्स, क्रस्टेशियंस और हेरिंग्स, इनका एक कॉम्बिनेशन दिया था और पूछा था कि फूड चेन में आपको इसको अरेंज करना है। तो क्रस्टेशियंस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेसिकली आपने क्रैब्स, क्रैब सुना होगा, ठीक है, सी फूड एंड ऑल में जो आती है वो सब क्रस्टेशियंस की कैटेगरी में आती है। उसी तरीके से वेल्स जो होते हैं वो क्रिटेशियन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के तीनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए है ताकि जिन स्टूडेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिन्होंने क्रस्टेशियंस, क्रिटेशियंस ये नाम ही पहली बार सुना है, उनको समझ में आ जाए और वो इसके बारे में पढ़ लें। मैं, मेरा मकसद इन वीडियोस के पीछे यही है दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स के पीछे अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ पे आपको जीरो से आके कुछ पढ़ा दूंगा, सिखा दूंगा, तो वो पॉसिबल यहाँ नहीं है, वो किसी और प्लेटफॉर्म में बात होगी। लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे ये है, सबसे पहली चीज आपका रिविजन कराना और दूसरी चीज आपको उन चीजों के बारे में अवेयर कराना जिसको अभी तक आपने टच ना किया हो खुद से। तो अगर आपने अभी तक इनमें से किसी भी टॉपिक को खुद से नहीं पढ़ा हो तो प्लीज पढ़िएगा, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को। उम्मीद करता हूं कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और साथ ही साथ दुआओं में याद रखिए। तो दोस्तों मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी, धन्यवाद।